नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज जिले में गंगा उत्सव मेगा इवेंट को लेकर शहर के ओझा टोली घाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव समेत अन्य मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय के कलाकारों द्वारा लाइट एवं साउंड शो के माध्यम से साहिबगंज के ऐतिहासिक धरोहर झारखंड का युद्ध कला, बिरसा मुंडा के जीवन एवं माँ गंगा का धरती पर अवतरण के ऊपर नाटक का मंचन एवं नृत्य प्रदर्शित किया गया। शहर वासियों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। पूरा आसमान सफेद नजर आने लगा था। गंगा अपने विशाल रूप और भयंकर वेग के साथ स्वर्ग से नीचे हिमालय की ओर बढ़ रही थी। गुस्से की वजह से उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी, शिव को भी, और इसी कोशिश में अपनी में उतर गई। उनकी खुशी को मैं भी महसूस कर पा रहा था। उनके ठंड से कांपते होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों के कोनों पर आंसुओं की चमकती दो बूंदें। कुछ देर तक तो भगीरथ को भरोसा ही नहीं हुआ कि देवी गंगा उजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। कल कल करती गंगा शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय पर उतर चुकी थी और फिर हिमशिलाओं के बीच से निकलती हुई भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। हिमालय से नीचे उतरते ही उस विशाल मैदान में हर गंगे नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे, तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा जीवन तूने ही संभाला। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। Oh,
गंगा उत्सव का है, ये 22 तारीख से शुरू होके आज इसका लास्ट डे है। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है और इस प्रोग्राम में सफल बनाने में बहुत ही अपना योगदान दिया है, मैं उन्हीं को धन्यवाद देता हूं। उमा सिंह जी स्काउट गाइड के जो लेके आए हैं उनको, रंजीत जी जो कल्चरल इवेंट्स करा रहे हैं सारे, गंगा आरती के लिए श्रीनिवास यादव जी और मोदी सिन्हा जी, सेंड आर्ट के लिए अमृत शाह, बोट रेस के लिए अशोक चौधरी जी और फूड एंड स्टॉल के लिए मेरी पूरी जेएसएलपीएस की टीम, डीडीसी साहब और जेएसएलपीएस के डीपीएम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ तमाम जो सिटीजन इस नगर के आए हैं उन सभी का भी आज इस कल्चरल प्रोग्राम में स्वागत है। और एक कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी मैंने सुबह भी बताया, मैं हम लोग एक ही मैसेज देते हैं कि हम गंगा नदी को साफ और स्वच्छ रखें, उसका सम्मान करें। जैसे कि हम लोग गंगा नदी को सेक्रेड मानते हैं, जिस प्रकार हम लोग मानते हैं वैसे ही उसको उपयोग भी करें और कोई भी तरह का अपशिष्ट पदार्थ या गंदगी गंगा में सीधे प्रवाह नहीं करें, क्योंकि हमारे दोनों शहरों में एसटीपी ऑलरेडी बन चुका है, तो किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ गंगा में सीधा प्रवाह नहीं करें और इसके अविरल प्रवाह को ऐसे ही चलते रहने दें। आज सुबह भी आप सभी ने देखा होगा, दुख उठाया होगा, यहाँ पर जो गिगेंटिक डॉल्फिन्स है वो इतना अच्छे से दिखती है, आई थिंक पूरे गंगा रिवर में ऐसी कहीं नहीं दिखती होगी। ये आप सभी का अथक प्रयास है और नमामि गंगे के तहत चलाए जा रहे इन प्रोग्राम्स का ही ये सफल परिणाम है कि हमारे यहाँ पे इतना स्वच्छ पानी है जिसके कारण कि आपको ये डॉल्फिन्स दिखती है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू।